नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ड्राईलैंड कृषि के बारे में, यानी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में कि ड्राईलैंड खेती क्या होती है और इसमें किस तरह से आपको खेती करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें क्या डेटा इम्पोर्टेंट है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होती है। जहां पर जो वर्षा होती है वो 750 mm से कम होती है तो वहां पर ड्राईलैंड की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके कारण वहां पर फसलों का उत्पादन, पशुपालन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उस क्षेत्र को ड्राईलैंड एरिया घोषित कर दिया जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 143.8 मिलियन हेक्टर पर ड्राईलैंड फार्मिंग होती है, और अगर इसका परसेंटेज देखें तो 67% के आसपास ये एरिया आता है, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है। अगर इस इरिगेशन एरिया की बात करें तो मात्र 33% ही इरिगेटेड एरिया है, और जो ड्राईलैंड फार्मिंग है वहां से हमें मात्र 44 यानी 44% का ही फसलों का उत्पादन होता है। अगर इस एरिया को थोड़ा सिंचित कर दिया जाए, यहाँ पर कंजर्वेटिव फार्मिंग की जाए, तो यहाँ पर हम 50-75% तक खाद्यान्नों का उत्पादन कर सकते हैं। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को 3 भागों में बांटा गया है, वो भी वर्षा की स्थिति के आधार पर। अगर वर्षा 750 mm से कम हो रही है तो उसे हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं। अगर वर्षा की स्थिति वहां पर जो वार्षिक है वो 750 से लेकर 1100 mm है तो इस तरह की खेती को हम ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। और वर्षा की स्थिति अगर 1150 mm से ज्यादा है तो वहां पर हम रेनफीड फार्मिंग यानी वर्षा आधारित खेती कहते हैं। अगर इसके डेटा की बात की जाए तो यहाँ पर जो हमने डेटा का डिस्कशन किया है, 143.8 मिलियन हेक्टर जो क्षेत्र है वो ड्राईलैंड के अंतर्गत आता है। ड्राईलैंड फार्मिंग के अंदर थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो इस क्षेत्र में 650 mm से कम वर्षा होती है, और यहाँ पर पूरा जो खेती का या फसलों का या पशुपालन का जो एरिया रहता है या इसको करने का तरीका रहता है वो पूरा मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। यानी मानसून अगर अच्छी होगी तो यहाँ पर हम ड्राईलैंड फार्मिंग अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर पानी की बड़ी कमी होती है। अगर ड्राईलैंड फार्मिंग करना है तो हमें कुछ टेक्निकल मेथड्स वगैरह अपनानी पड़ेगी, तभी जाकर हम यहाँ पर अच्छे से फसल उत्पादन कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, पशु के लिए चारों का उत्पादन कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम कृषि वानिकी भी कर सकते हैं। इसमें बात करें तो एग्रीसेट और इर्डा नाम की दो संस्था है जो ड्राईलैंड फार्मिंग पर रिसर्च करती है। एग्रीसेट यानी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो कि हैदराबाद में स्थित है, इसकी स्थापना 11 अक्टूबर 1972 की गई थी। अगर एक्रिडा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया, इसकी स्थापना सीरिया अपोलो में की गई थी 1977 में। अगर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर करनी है तो हमें कुछ प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे वर्षा के पानी को वाटर सेड मैनेजमेंट के अंतर्गत इकट्ठा करना, ताकि वो भूमि में जाके हमें लंबे समय तक पौधों को पानी दे सके। साथ ही भूमि पर हम एक मल्चिंग लेयर लगाकर भी हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम वानिकी और चारा विकास करके भी यहाँ पर हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। तेज हवाओं के द्वारा जो वर्षा जल का या पानी का वाष्पन होता है उसके लिए हम विंड ब्रेक का उपयोग करके वर्षा हवा की गति को कम कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर पानी का वाष्पोत्सर्जन है वो बहुत ही कम होगा। ऐसे क्षेत्रों में हम मुख्य रूप से वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, जो कई तरह से वाटर हार्वेस्टिंग विधियों का उपयोग करके वर्षा जल को एकत्र किया जाता है, जैसे कि तालाब बनाकर, छोटे छोटे गड्ढे बनाकर, जिससे कि वर्षा का जल भूमि के अंदर जा सके, कुछ सरकारी योजनाएं बनाकर, कुछ जल शक्ति योजनाएं बनाकर भी हम यहाँ पर खेती की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर हम भूमि की सतह पर मल्चिंग करके हम भूमि के अंदर नमी को बनाए रख सकते हैं, साथ ही पौधों के वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ ऐसे केमिकल का हम छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन पौधों के ऊपर बहुत कम होगा, जिससे कि यहाँ पर हम ड्राईलैंड खेती पॉसिबल कर सके। और भी बहुत सारी विधियां हैं जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में अप्लाई की जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।